फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, विंडोज एक्सप्लोरर। इस कार्यक्रम में सभी फोल्डर, सब फोल्डर और एप्लीकेशन फाइल के एक साथ ही दिखते हैं। फाइल और फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यानी कट पेस्ट, उनकी प्रतियां बनाना यानी कॉपी पेस्ट, या उनको हटाना या मिटाना मतलब डिलीट, इस प्रोग्राम से आसान हो जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर में दिखने वाली ड्राइव ही वह वजह है जहां फाइल और फोल्डर संग्रहित सेव होते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर वो पटल विंडो है जिसमें हार्ड डिस्क, यूएसबी उपकरण, सीडी या डीवीडी ड्राइव आदि दिखते हैं। इसमें सभी तरह की ड्राइव या संग्रहण के स्थानों के सभी फाइल एक साथ दिखते हैं। फाइल का अर्थ है किसी भी तरह का कोई भी डेटा किसी एक नाम से संजोकर रखा गया हो, चाहे वह शब्द हो, संगीत हो, चित्र हो या छवियां हो। जो फाइल कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर होते हैं वो केवल चिन्हों के रूप में वहां दिखते हैं। इन चिन्हों से उस डेटा के प्रकार का पता चलता है। फोल्डर एक संदूक की तरह काम करता है जिसमें हम जरूरत के अनुसार फाइल सेव करके रख सकते हैं। इन फोल्डर में सब फोल्डर भी बनाए जा सकते हैं। विंडोज 7 में एक नया फोल्डर दिया गया है जिसका नाम है लाइब्रेरीज फोल्डर। इस फोल्डर में डेटा की प्रकृति के आधार पर 4 सब फोल्डर भी बने हुए हैं। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज, शब्दों के प्रसंस्करण के लिए वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। उसमें काम करते हुए जब हम कोई फाइल, शीट आदि सेव करते हैं तो वह स्वतः ही डॉक्यूमेंट की लाइब्रेरी में माय डॉक्यूमेंट्स नाम के एक फोल्डर में सेव हो जाता है। पिक्चर लाइब्रेरीज, जो डेटा चित्रों के रूप में हम कैमरा, स्कैनर, इंटरनेट आदि से उतारते हैं या डाउनलोड करते हैं, वो सभी स्वतः ही माय पिक्चर्स नामक एक फोल्डर में सेव हो जाते हैं। म्यूजिक लाइब्रेरीज, जो संगीत की फाइल हम इंटरनेट, सीडी आदि से अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, वो स्वतः ही माय म्यूजिक नाम के एक फोल्डर में सेव हो जाता है। वीडियो लाइब्रेरीज, इस फोल्डर के माय वीडियोस नाम के एक फोल्डर में वे सभी वीडियो सेव हो जाते हैं जिन्हें हम वीसीडी, डिजिटल कैमरा या इंटरनेट आदि से कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर शुरू करने का तरीका, स्टार्ट, प्रोग्राम, एक्सेसरीज, विंडोज एक्सप्लोरर अथवा स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एक्सप्लोरर इस विकल्प का चुनाव कीजिए। फोल्डर तैयार करना, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फोल्डर तैयार करने के लिए आवश्यक रूट डायरेक्टरी अथवा ड्राइव, सी ड्राइव या डी ड्राइव चुनिए। टूल बार से न्यू फोल्डर इस विकल्प का चुनाव कीजिए। फाइल लिस्ट में फोल्डर प्रदर्शित होगा। फोल्डर को आवश्यक नाम दीजिए। एंटर बटन दबाइए। फाइल और फोल्डर का नाम बदलना, रीनेम अ फाइल और फोल्डर। पहले से तैयार फाइल और फोल्डर का नाम बदलने हेतु यानी रीनेम इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टरी रूट या ड्राइव निश्चित कीजिए। आवश्यक फाइल तथा फोल्डर पर क्लिक कीजिए। टूल बार से ऑर्गेनाइज इस टूल से रीनेम कमांड को चुनिए। फोल्डर को नया नाम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। मूव अ फाइल और फोल्डर, उस फाइल या फोल्डर को चुनिए जिसे स्थानांतरित करना है। उस फाइल को क्लिक करके चुनिए। ऑर्गेनाइज टूल बार से कट कमांड चुनिए या फिर फाइल को राइट क्लिक करके मेनू से कट दबाइए। उस ड्राइव या फोल्डर को चुनिए जहां इसे ले जाना है। ऑर्गेनाइज टूल बार या कॉन्टेक्स्ट मेनू से पेस्ट कमांड चुनिए।